हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सांद्रता का प्रभाव एक प्रयोग। ठीक है, साम्यावस्था पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझा जाए। इसे निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे आयरन थर्ड जो जली विलयन में है, Fe3+ एक्वस+ पोटेशियम थायोसाइनेट, यह आप देखें थायोसाइनेट है, यह आपका SCN- एक्वस और बन रहा है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड Fe2+ एक्वस। ठीक है, यहाँ पे जो आयरन थर्ड है एक्वस वह पीले कलर का है, यह आपका जो थायोसाइनेट है यह SCN- यह रंगहीन है, कलरलेस है, और यह जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है Fe2+ यह गाढ़ा लाल रंग का है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक केसी बराबर क्या होगा, तो केसी बराबर Fe2+ की मोलर सांद्रता बटे Fe3+ की मोलर सांद्रता इंटू SCN- की मोलर सांद्रता। ठीक है, अब ध्यान समझें, एक परख नली में आयरन थर्ड नाइट्रेट विलयन का, ठीक है, एक परख नली लेते हैं जिसमें आयरन थर्ड Fe3+ आयरन थर्ड नाइट्रेट विलयन का 1 ml लेकर, ठीक है, उसमें 2 बूंद पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन डालकर, ठीक है, पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन डालकर परख नली को हिलाने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है। एक परख नली में आयरन थर्ड नाइट्रेट विलयन का 1 ml लेकर उसमें 2 बूंद पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन डालकर परख नली को हिलाने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है, जो Fe2+ बनने के कारण होता है। यह लाल रंग जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने के कारण होता है। साम्यावस्था स्थापित होने पर रंग की तीव्रता स्थिर हो जाती है। साम्यावस्था जब स्थापित हो जाता है तो रंग की जो तीव्रता है वह स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक परख नली में आयरन थर्ड नाइट्रेट विलयन का 1 ml लेते हैं और उसमें 2 बूंद पोटेशियम थायोसाइनेट विलयन डालकर परख नली को हिलाते हैं जिससे विलयन का रंग लाल हो जाता है, जो Fe2+ बनने के कारण होता है। साम्यावस्था स्थापित होने पर रंग की जो तीव्रता है वह स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद को अभिक्रिया की साम्यावस्था पर मिलाने से, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद को अभिक्रिया की साम्यावस्था पर मिलाने से साम्यावस्था को अग्रिम या प्रतिप दिशाओं में अपनी इच्छा अनुसार विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार अभिकारक या उत्पाद को अभिक्रिया की साम्यावस्था पर मिला के साम्यावस्था को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, Fe3+ आयन की मोलर सांद्रता अपान SCN- आयन की मोलर सांद्रता आयनों की कमी करने वाले अभिकारकों को मिलाने पर, ठीक है, आयनों की कमी करने वाले अभिकारकों को मिलाने पर साम्य विपरीत दिशा में विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा अभिकारक मिलाएं जो आयनों की संख्या को कम कर दे, Fe3+ आयन जो हैं, SCN- जो आयन हैं, इनकी संख्या को कम करने वाले अभिकारक को अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, तो साम्य जो है विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सैलिक अम्ल अगर आप मिलाएं H2C2O4 को, तो यह ऑक्सैलिक अम्ल जो है आयरन थर्ड Fe3+ आयन से क्रिया करके अस्थाई संकुल आयन बनाते हैं। ये ऑक्सैलिक अम्ल Fe3+ आयन से क्रिया करके
अस्थाई संकुल आयन Fe2O4 थ्राइस, ठीक है, Fe2O4 थ्राइस 3- बनाते हैं, अतः मुक्त आयरन, मुक्त Fe3+ आयन की सांता कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप अभिकारक के रूप में ऑक्सैलिक अम्ल मिलाएंगे तो यह ऑक्सैलिक अम्ल जो है Fe3+ आयन से क्रिया कर लेगा और एक अस्थाई संकुल बनाएगा जिससे मुक्त Fe3+ आयन की सांता कम हो जाती है। लासा तेलिए सिद्धांत के अनुसार Fe3+ आयन को हटाने से उत्पन्न सांद्रता दबाव को FeSn2+ के वियोजन द्वारा Fe3+ आयनों की पूर्ति कर मुक्त किया जाता है। यह जो आयरन 3+ की कमी हुई है उस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, तो लासा तेलिए सिद्धांत के अनुसार Fe3+ आयन को हटाने से उत्पन्न सांद्रता दबाव को FeSn2+ के वियोजन द्वारा FeSn2+ जो बना था जिसके कारण गाढ़ा लाल रंग आया था उसका वियोजन होगा और उससे आयरन थर्ड मुक्त होगा और कमी को पूरा करेगा, Fe3+ आयनों की पूर्ति कर मुक्त किया जाता है। चूंकि FeSn2+ की सांद्रता घटती है अतः लाल रंग की तीव्रता कम हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा, लाल रंग की तीव्रता जो है वह कम हो जाएगी, ठीक है। जलीय मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 मिलाने पर भी लाल रंग की तीव्रता कम हो जाती है। जलीय HgCl2 मिलाने पर भी लाल रंग की तीव्रता क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो मरकरी आयन है Hg2+ आयन है ये HCN- आयनों के साथ अभिक्रिया करके अस्थाई संकुल आयन HgSCN4-2 बनाते हैं, ठीक है, जिससे मुक्त HCN- आयनों की कमी हो जाती है, जिससे साम्य को बाईं से दाईं ओर HCN- आयनों की पूर्ति हेतु विस्थापित करती है। पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाने पर HCN- का सांद्रण बढ़ जाता है, ठीक है। पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाने पर HCN- का सांद्रण बढ़ जाता है, अतः इसलिए साम्यावस्था जो है अग्र दिशा में अर्थात दाईं ओर बढ़ जाती है तथा विलयन की रंग की तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आयन की संख्या अधिक होने पर विलयन की रंग की तीव्रता बढ़ जा रही है HgCl2 मिलाने पर, और आयन की संख्या कम होने पर, ठीक है, विलयन की रंग की तीव्रता घट जा रही है ऑक्सैलिक अम्ल के मिलाने के कारण, ठीक है। यह एक प्रयोग के माध्यम से सांद्रता का प्रभाव आपने समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चर्चा करेंगे दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। थैंक यू।